इस वक्त की बड़ी खबर, राजनीति के अपराधीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सभी राजनीतिक दलों को ये कहा कि जो राजनेता जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर डाला जाए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाला जाए, अखबार में छपे। और साथ ही ये भी राजनीतिक दल वजह बताएं कि आखिर इस राजनेता को उम्मीदवार क्यों बनाया गया, टिकट क्यों दिया गया। ये बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राजनीतिक दलों को दिया गया है। कारण है कि वो दागी को टिकट दे रही है, किसी एक गैर दागी आदमी को टिकट नहीं दे रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, ये पूरा का पूरा जो हमारा ऑर्डर है इसके कंप्लायंस कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का कंप्लायंस नहीं करती है तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट माना जाएगा। ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। आज तक ये ऐसा कभी नहीं हुआ। अब ये पहली बार हो रहा है कि जो राजनीतिक दल अपराधियों को टिकट देंगी और उसका विस्तृत ब्यौरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में पब्लिश नहीं करेंगी उसको सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट माना जाएगा। आपको अगर आपको हर एक कैंडिडेट के बारे में बताना पड़ेगा। अगर आप अगर पॉलिटिकल पार्टी का कोई कैंडिडेट ऐसा जिसके जिसके खिलाफ कोई FIR नहीं है, कोई दाग नहीं है, कोई उसके खिलाफ कोई अपराध नहीं है तो सिंपल एक लाइन लिख देना है कि हाँ उसके खिलाफ कोई अपराध नहीं है। अगर किसी के खिलाफ बहुत सारे मामले हैं तो उसका बाकायदा FIR नंबर, ट्रायल की स्टेज, चार्जेस फ्रेम हुआ कि नहीं हुआ, ये पूरा ब्यौरा इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा, फेसबुक ट्विटर पे डालना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में पब्लिश करना पड़ेगा। तो ये बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, यानी जितने भी उम्मीदवार को टिकट दिया जाए, जो भी राजनेता उम्मीदवार बनाए जा रहे हैं उनका पूरी डिटेल, उनका पूरा रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, अखबारों को दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिया जाएगा। इस तरह का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सभी राजनीतिक दलों को दिया गया है। यानी कि जो उम्मीदवार जिन पर आपराधिक केस है, आपराधिक मामले दर्ज है, उसकी पूरी डिटेल भी देनी होगी। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वजह भी बतानी होगी, अगर कोई राजनेता जिसे उम्मीदवार बनाया गया है उसके खिलाफ जो भी केस है उसको देखते हुए आखिर टिकट क्यों दिया गया है, ये वजह भी बाकायदा बतानी होगी। तो ये बड़ा आदेश राजनीति के अपराधीकरण पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सभी राजनीतिक दलों को ये कहा गया है कि अगर आप किसी को भी उम्मीदवार बनाते हैं, टिकट देते हैं और अगर उसके खिलाफ कोई भी आपराधिक केस है तो उसकी जानकारी बाकायदा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आपको बतानी होगी। साथ ही ये वजह भी बतानी होगी कि ये सब कुछ जानते हुए आखिर आपने इस उम्मीदवार को टिकट क्यों दिया, इसे उम्मीदवार क्यों बनाया गया, ये वजह भी बताने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राजनीतिक दलों को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चार चुनावों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा है कि पिछले चार चुनाव में बड़ी संख्या में ऐसे नेताओं को टिकट दिए गए जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड रहे हैं।